हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRM एकेडमी। स्टार्ट करते हैं रीजनल एनालिसिस के बारे में। सिलेबस और वो कितने मार्क्स का जेम्स के अंदर पूछा जाता है वो हम डिस्कस करते हैं। रीजनल एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जैम के रिगार्डिंग। तो जैम में 30-35 मार्क्स इन टोटल पूछा जाता है, जिसमें हमारे पास सिलेबस जो है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का सिलेबस। देखो, रियल एनालिसिस जिसको आ गई ना, वो जैम में सिंगल टॉपिक से जैम को स्कोर कर सकता है, दैट इज़ 35 मार्क्स अगर इसके मैक्सिमम बनते हैं। हम 32 को सपोज करके चलते हैं, आपने 32 का अटेम्प्ट करा, आपके इसमें मैक्सिमम मार्क्स अगर इसमें 29 से लेके 31 तक भी इसमें आपने स्कोर कर लिया, 31 ये वाले हो गई हैं, प्लस अगर आपने ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इंटीग्रल कैलकुलस प्लस रियल एनालिसिस को अगर आपने कर लिया, तो भी आपका जो जैम स्कोर है वो हमारे पास 45 प्लस आने वाला है। वो आप लोगों को देखना है कि आप लोग कौन सा टॉपिक को अच्छा प्रिपेयर करके जाएंगे कि उसमें आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मिस्टेक की वजह से गलत ना हो। और एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस नहीं होना है। जो स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उनका जो जैम स्कोर है वो डाउन चला जाता है। आप जितनी प्रैक्टिस हो सके पहले कीजिए, नर्वस नहीं होना है एग्जामिनेशन हॉल में। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक एक करके बात को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो इसका सिलेबस है, आप यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स ऑफ सिलेबस। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ पहले इंडेक्स को साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इंडेक्स में है, पहले यहाँ पर हमारे पास पहला टॉपिक है, दैट इज सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल। सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल। अब सेट्स हैं, सेट्स के बारे में आप लोगों को प्रॉपर जानकारी थी पहले से ही, जो हमने क्लास प्लस वन में और प्लस टू में हमने बात पढ़ ली थी। फंडामेंटल्स वो क्या है, सेट्स और इस फंडामेंटल्स, ये वो फंडामेंटल्स नहीं है जो ओपन, दैट इज़ द सेट वन सेट और दोनों की यूनियन इंटरसेक्शन एंड वो समथिंग, वो हमने पढ़ लिया था। लेकिन इस सेट की फंडामेंटल के अंदर हम सेट की पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास बेटा, अगर मैं इसको एक छोटी सी लाइन में ख़त्म करना चाहूँ तो मैं ये बात बोलूँगा कि आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है, आपके पास पहले ही वो इनफाइनाइट सेट है। अब वो इनफाइनाइट सेट भी, वो छोटा इनफाइनाइट है या बड़ा इनफाइनाइट है, वो हमने समझना है। जैसे सपोज करो, आप लोग भगवान जी के पास खड़े हो और भगवान जी से आप खुशियों का सेट मांग रहे हो। भगवान जी ने आप लोग को बोला कि मैंने आपको दो सेट दिए हैं, दोनों ही सेट खुशियों से भरे हुए हैं, तो आप कौन सा लोगे? तो आप क्या गॉड को रिप्लाई करोगे? गॉड 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 माय लॉर्ड, आपको इसमें से बड़ा कौन सा है? खुशियों का सेट आप वही वाला लोगे ना कि इसमें से बड़ा कौन सा है? गॉड ने रिप्लाई दिया कि वो इन्फाइनाइट सेट है। नहीं नहीं नहीं, फिर आप कहोगे गॉड को, नहीं नहीं वो बड़ा वाला सेट कौन सा है? इसका मतलब आपको वो माइंडसेट आपका पहले से है कि आपको पता है कि रियल एनालिसिस के अंदर भी, सेट के अंदर भी इन्फाइनाइट छोटा या बड़ा हो सकता है। ये वाली बात समझ आई ना, छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये जो छोटा सा एग्जांपल था, इसी के साथ मैं इसको यहाँ पर पॉइंट सेट्स और फंडामेंटल के टर्म को एक लाइन में मैंने ख़त्म करा कि हम यहाँ पर सेट के पोटेंशियल के बारे में देखेंगे कि सेट हमारे पास काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, या फिर वो हमारे पास छोटा इन्फाइनाइट या बड़ा इन्फाइनाइट। ये छोटा इन्फाइनाइट, बड़ा इन्फाइनाइट, इस टर्म के अंदर ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, इनके अलग अलग नेम है। हम जैसे इनको आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों को ये चीज समझ आनी शुरू हो जाएगी, किसे कहते हैं छोटा इनफाइनाइट और किसे कहते हैं बड़ा इनफाइनाइट। यहां तक बात समझ आ गई पक्का? नेक्स्ट है बेटा, सेकंड हमारे पास आता है यहां पर पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी, अब पॉइंट सेट टोपोलॉजी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बेसिकली जैम के अंदर नहीं है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, लेकिन पॉइंट सेट टोपोलॉजी आपको लोगों को मुझे बतानी ज़रूरी है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी समझ आएगी तभी आप आगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पे जाएंगे। मैंने क्या नाम दिया है? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। इसको अगर मैं बात बोलूँ तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन आर के बारे में हम बात करेंगे। किसके ऊपर बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम? ओनली एंड ओनली इन आर। ये रियल एनालिसिस का बेसिक एनालिसिस वाला पार्ट है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन आर। वैसे पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन आर स्क्वायर, आर क्यूब और आर एन की भी है, वो एडवांस एनालिसिस है हमारा, वो हमारा एडवांस एनालिसिस है, ठीक है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन आर,
नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करना है दैट इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ये हम डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस मैं कनेक्ट किससे करूँगा, पॉइंट सेट टोपोलॉजी से। जिनको पॉइंट सेट टोपोलॉजी अच्छे से आती होगी वो सीक्वेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पर आप लोगों के साथ दैट इज सीरीज, सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर। पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बाद पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बाद सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है, डन। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस करना है दैट इज फंक्शन, फंक्शन एंड इट्स फंडामेंटल, फंक्शन एंड इट्स फंडामेंटल। अब फिर से वही वाली टर्म आ गई है, ये फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन अगर गिवन हो, हम यही बात बोलते हैं एक फंक्शन है जो ए से लेके बी तक जा रहा है, उसके बारे में अब हमने बात करनी है कि ये फंक्शन वन वन ऑन टू, ये सारी टर्म हमने पढ़ ली है, वन वन ऑन टू बाइजेक्शन फंक्शन, ये सारी टर्म हमने एक एक करके बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस रियल एनालिसिस के लेवल तक हम उसको लेके जाएंगे, ये सारी टर्म हमने यहाँ पर देखना है, ठीक है, डन, पक्का। नेक्स्ट आती है बेटा आप लोगों के पास सिक्स LCD, LCD मतलब लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ये बेटा रियल एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रियल एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आसान भी है बिल्कुल, जैसे हमने प्लस टू में पढ़ा था वैसा उससे रिलेटेड है, लेकिन उससे एक स्टेप आगे का आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। जो लिमिट की बात है, जो कंटिन्यूटी की बात है, जो डिफरेंशिएबिलिटी की बात है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, डन, पक्का। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास यहाँ पर दैट इज सेवन्थ पॉइंट में आता है, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव, ये भी वही वाली टर्म है, एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव। तो ये सिंपल है, इसमें रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी थ्योरम, हम इस सब के ऊपर एडवांस एनालिसिस करेंगे। मैं बार बार बात बोल रहा हूँ, नेम पुराने हैं, एनालिसिस नया है, नेम पुराने हैं, एनालिसिस नया है। नेक्स्ट है, हम यहाँ पर बात करेंगे फिर एट्थ पॉइंट पे, दैट इज पावर सेट, पावर सीरीज, पावर सीरीज। हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे फिर, पावर सीरीज का कंसेप्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है। ये तो था हमारा रियल एनालिसिस का बेसिक एनालिसिस। फिर एडवांस एनालिसिस आता है जिसमें हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन आर स्क्वायर आर एन के बारे में बात करते हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन आर स्क्वायर और आर एन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद रिमान इंटीग्रेबल है, फिर इंप्रॉपर इंटीग्रेबल है, फिर आता है हमारे पास यहाँ पर वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल आप लोगों के पास भी है, वो लेकिन छोटे से कंसेप्ट में है। देखो अगर मैं रियल एनालिसिस इन टोटल के बारे में बात बोलूं तो ये सारा का सारा जो उनका टॉपिक है, ये आप लोगों के पास 20 से लेके 25 मार्क्स तक का पड़ता है ये सारा का सारा टॉपिक। और उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। लिख लो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, यहां पर आता, मैं सिर्फ लिख रहा हूं यहां पर वन वेरिएबल, और दूसरा आता है यहां पर आपके पास टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, और कुछ और टर्म्स भी हैं वो हम करने के बाद टोटल जो रियल एनालिसिस का पार्ट है वो 30-35 मार्क्स तक की जो हमारे पास जो रेंज है उसी के रेंज के बीच में रहता है, डन। यहाँ तक बात समझ आई, पक्का। अब सेट के बारे में हम बात करें तो सेट के बारे में आप लोगों को सभी को पता है यहाँ पर कि सेट हमारे पास कितने तरह से बनते हैं। देखो सेट हमारे पास, हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर फोर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो सेट खुद का, सॉरी, एक सेट खुद, एक हमारे पास है यहाँ पर सबसेट, और यहाँ पर है पावर सेट PS पावर सेट, और यहाँ पर है हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम ये चार सेट के बारे में बात करेंगे, पक्का। सेट, सबसेट, पावर सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने इन सब के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद अगर मैं एक बात बोलूँ तो एक हमारे पास एक एन सेट होता है, एन दैट इज़ द सेट ऑफ द नेचुरल सिंबल। ध्यान देना जो मैंने लाइन बोली है यहाँ पर, द सेट ऑफ द नेचुरल सिंबल, नॉट नेचुरल नंबर्स। अभी हमें नंबर्स के बारे में तो पता ही नहीं है, अगर मैं सिंबल के बारे में बात बोलूँ तो ये हमारे पास जो एन सेट है, ये वन सिंबल, ये टू सिंबल, ये थ्री सिंबल, ये फोर सिंबल, अप टू सो ऑन, ये सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा ये सिंबल्स हैं, अगर जो पोजिशन
इस एलिमेंट का नाम क्या है, इस एलिमेंट का नाम 3 है, इस एलिमेंट का नाम क्या है, इस एलिमेंट का नाम 3 है, इस एलिमेंट का नाम क्या है, इस एलिमेंट का नाम 4 है, और नेक्स्ट वाले एलिमेंट का नाम 5 है, नेक्स्ट वाले एलिमेंट का नाम 5 है, और अगर मैं इसको लास्ट में लिखूं तो वो n+1 है, वो क्या है, n+1 है। अब अगर मैं इसके बारे में बात बोलूं कि ये प्लस साइन को क्या दिखाता है, ये प्लस साइन उसके नेक्स्ट में क्या है, वो नंबर को बताता है हमें, वो एलिमेंट की पोजीशन बताता है, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब ये भगवान का दिया हुआ सेट है, ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ आई। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक और सेट के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर दैट इज एस एन सेट के बारे में बात करेंगे। एस एन सेट जब मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट बताऊंगा तब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि एन और एस एन सेट में क्या डिफरेंस होता है, एन और एस एन सेट में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, एक एक करके हम सारी कहानी को डिस्कस करेंगे। तो ये था रियल एनालिसिस का प्रॉपर शेड्यूल कि क्या क्या टर्म हम एक के बाद एक क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स रिकमेंडेशन के बारे में जो रियल एनालिसिस के आप लोगों को चाहिए है। आप लोगों को अगर आप लोगों को बिल्कुल ही बेसिक उठाना है तब आप लोग एसके मापा बुक को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एसके मापा, और सेकंड बुक है हमारे पास दैट इज एस एल गुप्ता और एन आर गुप्ता। ये दोनों बुक्स हमारे जैम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली हमारे पास एन आर गुप्ता और एस एल गुप्ता जो है हमारे पास जैम इंपॉर्टेंट है, जैम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस के मापा हमारे पास ऑल अदर यूनिवर्सिटीज का भी कंसेप्ट ये हमारे पास लेके चलती है, तो हम इसको भी यहाँ पर रिकमेंड मैं खुद यहाँ पर आप लोगों के लिए करूँगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास रॉबर्ट जी बाटले। अब ये बाटले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं कि ये हमारे पास हम इसको क्या बोलते हैं, बाटले, रियल एनालिसिस बाटले। क्या नाम है इसका, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। तो ये बाटले ऐसी बुक है, अगर आप लोगों को एडवांस समझना है थोड़ा सा रियल एनालिसिस के बारे में, आप लोगों को और जानकारी बढ़ानी है अपनी, तो आप लोग रियल एनालिसिस की रॉबर्ट जी बाटले वाली बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये सभी बुक्स आप लोगों को SRM एकेडमी की ई लाइब्रेरी में वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, कभी भी आप कहीं पर भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे। हाँ, हम उसको अप टू डेट करते रहेंगे। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आती है कि सर लाइब्रेरी के अंदर ये बुक नहीं है, आप लोग हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, विद इन 1 वीक आप लोगों को वो बुक हमारी SRM एकेडमी लाइब्रेरी पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, डन। तो ये रियल एनालिसिस के सारा कंसेप्ट है, इसे समझेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक आएगा, हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो हमारे पास दैट इज लेक्चर नंबर 1, तो वो हमारे पास क्या टर्म बन रही होगी, सेट्स के बारे में बात कर रहे होंगे और उसके फंडामेंटल के बारे में बात कर रहे होंगे, मतलब उसके अंदर सेट के अंदर कितना वेट है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मैंने एक 2 किलोग्राम का सेट दिया, 2 किलोग्राम का सेट दिया, वही वाली बात होगी सर, ये तो पोटेंशियल के बारे में बात होगी ना। सेट तो 2 किलोग्राम में नहीं हो सकता, लेकिन सेट का पोटेंशियल तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कि वो छोटा है, बड़ा है, काउंटेबल सेट है, बाउंडेड सेट है, अनबाउंडेड है, या और भी जो भी मेथोलॉजी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जो भी टर्मोलॉजी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक एक करके सारी कहानी को हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, आप लोगों को मैं इन्फानाइट के बीच में डिफरेंस बता दूंगा कि इन्फानाइट बड़ा या छोटा टर्म कौन सा होता है, ठीक है, डन। तो कनेक्टेड रहें SRM Academy के ऑनलाइन कोर्स के साथ। थैंक यू सो मच।